उपनगरीय ट्रेनें मुंबई शहर की जीवन रेखाएं यूं ही नहीं कहलाती हैं। ये वे साधन हैं जो मुंबई को चलाती और चलाए रखती हैं। उपनगरीय ट्रेनों की खटखट वास्तव में मुंबई शहर की धड़कन की धक धक है। पश्चिम रेलवे की उपनगरीय सेवाएं रोजाना लगभग 35 लाख यात्रियों को 1355 लोकल ट्रेनों के द्वारा उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं। 3 डिब्बों से शुरू हुआ ये सफर 15 डिब्बों तक होता हुआ आज एक नए मुकाम पर आ पहुंचा है। माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल की विशेष रुचि और योग्य मार्गदर्शन में एक लंबे इंतजार के बाद भारतीय रेलवे आज देश की पहली एयर कंडीशन EMU सेवा की चर्च गेट विरार उपनगरीय खंड में शुरुआत करने जा रही है। पश्चिम रेलवे के लिए ये एक गौरव का क्षण है, क्योंकि यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और आरामदायक सफर प्रदान करना हमारा प्रथम उद्देश्य रहा है। आइए नजर डालते हैं देश की सर्वप्रथम AC लोकल ट्रेन की खूबियों पर। ये नई लोकल ट्रेन मुंबई करों की संरक्षा और सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगी। इस वातानुकूलित EMU सेवा की शुरुआत के साथ ही मुंबई उपनगरीय सेवाओं के इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ गया है। ये ट्रेन मुंबई करों की यात्रा के तरीकों को बदलने के साथ ही उन्हें यात्रा के नए अनुभव से भी रूबरू कराएगी। उल्लेखनीय है कि नई पहल होने के नाते रेलवे के लिए भी ये एक नई चुनौती है। तो आइए स्वागत करें यात्रियों की सुविधा, संरक्षा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध भारतीय रेलवे की अभिनव पहल का, देश की पहली AC लोकल का।